Lesson 3. Rhyme, Clap Clap, Part 2. बुझो बुझो मेरा नाम है ये थोड़ी अक्ल का काम सोच रहे हो क्या ये बात कहाँ से आई ये आवाज कौन है ये बोलो कौन है ये ना है हमको दिखती ना जाने ये कैसी लगती क्या ये जिन है या कोई भूत यो किस नटखट की करतूत बात बड़ी है सीधी सीधी मैं हूँ आपकी अब संपर्क दीदी आपको एक कविता सुनाएंगी। इसको कहते हैं राइम टाइम, मतलब कविता टाइम। तो चलिए, हमने कल की जो कविता सीखी थी उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कल सीखी हुई लाइंस को दोहराएंगे। चलिए एक्शंस के साथ गाते हैं। Little hands do clap, clap, clap. Two little feet go tap, tap, tap. Two little eyes are open and shut. One little head goes side to side. तो बच्चों, आप सभी को कविता सीखने में मजा आ रहा है ना? अच्छा बच्चों, हमने कल hands, feet, eyes और हेड के बारे में सीखा था, है ना? आज हम ईयर्स यानी कान, माउथ यानी मुंह, नीज मतलब घुटना और नोज यानी कि नाक के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करें। जैसे जैसे मैं बोलूंगी आप भी मेरे पीछे वैसे ही बोलिएगा, ठीक है? टू लिटिल ईयर्स कैन हियर यू सिंग। दो छोटे छोटे कानों से सुनते हैं गाना। अच्छा बच्चों, आपको पता है टू मतलब क्या था? जल्दी जल्दी सोच के बताइए। हाँ, दो, वेरी गुड। और लिटिल ईयर्स का मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे कान, वेरी गुड। और हियर मतलब सुनना। Two little ears can hear you sing. दो छोटे छोटे कानों से सुनते हैं गाना, यानी hear you sing. Two little ears can hear you sing. अच्छा बच्चों, अब अगली लाइन माउथ के बारे में सीखते हैं। One little mouth goes talk, talk, talk. छोटे से मुंह से करें टॉक टॉक टॉक। अच्छा बच्चों, आपको पता है लिटिल माउथ मतलब छोटा मुंह, वेरी गुड। और टॉक मतलब बातें करना, बातें करना, बिल्कुल ठीक। वन लिटिल माउथ गोज टॉक टॉक टॉक। छोटे मुंह से करें बात बात बात, यानी टॉक टॉक टॉक। वन लिटिल माउथ गोज टॉक टॉक टॉक। है ना मजेदार? अच्छा अब बताइए, हमने कौन कौन सी दो लाइन सीखी हैं? टू लिटिल ईयर्स कैन हियर यू सिंग, वन लिटिल माउथ गोज टॉक टॉक टॉक। चलो अब हम दोनों लाइंस गाते हैं, आप भी मेरे साथ गाइए। रेडी? टू लिटिल ईयर्स कैन हियर यू सिंग, वन लिटिल माउथ गोज टॉक टॉक टॉक। मेरे साथ जोर से गाइए। Little ears can.
अच्छा बच्चों, हमने ईयर्स और माउथ के बारे में सीखा है ना, तो चलो अब नीज यानी घुटने और नोज यानी कि आपकी नाक के बारे में सीखते हैं। टू लिटिल नीज डू बेंड बेंड बेंड, यानी दो छोटे घुटने करें बेंड बेंड बेंड। अच्छा बच्चों, आपको पता है नीज मतलब क्या? घुटना। जी हाँ, वेरी गुड। और बेंड का मतलब क्या होता है? बेंड मतलब मोड़ना। टू लिटिल नीज डू बेंड बेंड बेंड, दो छोटे घुटनों को मोड़ो मोड़ो मोड़ो, यानी बेंड बेंड बेंड। टू लिटिल नीज डू बेंड बेंड बेंड। अच्छा बच्चों, अब हम अगली लाइन जो सीखेंगे वो होगी नोज के बारे में। वन लिटिल नोज गोज स्निफ स्निफ स्निफ, एक छोटी सी नाक करे स्निफ स्निफ स्निफ। अच्छा बच्चों, आपको पता है नोज मतलब क्या होता है? नाक। वेरी गुड। और स्निफ मतलब सूंघना। वन लिटिल नोज गोज स्निफ स्निफ स्निफ, एक छोटी नाक से सूंघो सूंघो सूंघो, यानी स्निफ स्निफ स्निफ। वन लिटिल नोज गोज स्निफ स्निफ स्निफ। अच्छा, हमने कौन सी दो लाइन सीखी है? टू लिटिल नीज डू बेंड बेंड बेंड, वन लिटिल नोज गोज स्निफ स्निफ स्निफ। चलो अब हम दोनों लाइन्स गाते हैं, आप भी मेरे साथ गाइएगा। रेडी? टू लिटिल नीज डू बेंड बेंड बेंड, वन लिटिल नोज गो स्निफ स्निफ स्निफ। मेरे साथ जोर से गाइए। टू लिटिल नीज डू बेंड बेंड बेंड, वन लिटिल नोज गो स्निफ स्निफ स्निफ। अब हम एक्शंस के साथ ईयर्स माउथ नीज और नोज पर गाने गाते हैं। आप अपनी टीचर को भी देखिए, जैसे जैसे वो करेंगी आपको भी वैसे वैसे ही एक्शंस करने हैं, और साथ में गाना भी तो गाना है। रेडी? टू लिटिल ears कैन हियर यू सिंग, वन लिटिल माउथ goes टॉक टॉक टॉक, जोर से गाइए। टू लिटिल ears कैन हियर यू सिंग, वन लिटिल माउथ goes टॉक टॉक टॉक, टू लिटिल नीज डू बेंड बेंड बेंड, वन लिटिल नोज goes स्निफ स्निफ स्निफ। शाबाश, एक बार फिर से। टू लिटिल ears कैन hear you sing, one little mouth goes talk talk talk, two little knees do bend bend bend, one little nose goes sniff sniff sniff. Very good. Ek baar aur. Huh? Two little ears can hear you sing, one little mouth goes talk talk talk, little knees do bend bend bend, one little nose goes sniff sniff sniff. अब आप इसकी प्रैक्टिस यानी अभ्यास करिए, और ये कविता अपने मम्मी पापा को भी सुनाना, ठीक है?
ठीक है बच्चों, अब आपने अपने बॉडी पार्ट्स को पहचान लिया है, आप उनके नाम जान गए हैं और ये भी जान गए हैं कि उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना? चलिए अब हम एक खेल खेलते हैं, एक गेम। वेरी गुड। इस खेल में मैं आपको एक बॉडी पार्ट का नाम बताऊंगी और आपको वो बॉडी पार्ट छूना है। रेडी? सबसे पहले मैं बोलती हूँ, टच योर हैंड्स। चलो 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 जल्दी, टच योर हैंड्स, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड। अब मैं बोलती हूँ फीट। चलो 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 जल्दी से, टच योर फीट। वेरी गुड। अब मैं बोलती हूँ आईज। आईज, अरे भाई आईज, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। वेरी गुड। अब मैं बोलती हूँ हेड। चलिए जल्दी से अपना हेड टच कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड। अब मैं बोलती हूँ ईयर्स। चलो टच योर ईयर्स। कहाँ हैं भाई आपके ईयर्स, जल्दी जल्दी से टच कीजिए अपने ईयर्स। हाँ भाई वाह, वेरी गुड। अब मैं बोलती हूँ माउथ। चलिए जल्दी से अपना माउथ टच कीजिए, तो जल्दी। वेरी गुड। और आपकी नीज कहाँ है, अब मैं बोल रही हूँ नीज। जल्दी से टच योर नीज, टच योर नीज, जल्दी जल्दी। वेरी गुड। अब मैं बोलती हूँ नोज। चलो 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 जल्दी, टच योर नोज, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड। सबने टच की अपनी नोज। मजा आया ना? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी।